दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोरेक्स के माइंड के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम उसके फिजिकल जर्नल या फिजिकल सिम्टम को जानने की कोशिश करेंगे। बोरेक्स का पेशेंट का जो बाल होता है ना, वो आपस में चिपक जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो साधु होते हैं उनकी जटाएं होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, बड़ी जटा बन जाती है। उसी तरह के बाल बोरेक्स के होते हैं, और उसको अगर काट भी दिया जाए तो फिर जो नया बाल निकलता है थोड़ा बड़ा होने के बाद, फिर वो जटा बन जाता है। इस तरह का बाल होता है बोरेक्स का। बोरेक्स के जो चेहरा होता है उस पर मुंह के चारों तरफ या फिर फोरहेड पे वेसिकुलर इरप्शन होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे। बोरेक्स का एक बहुत बेहतरीन दवा है बोरेक्स। पुराने बीमार जो कान बहता है ना, अगर वो क्रॉनिक हो तो बोरेक्स बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते बोरेक्स के मेंटल सिम्टम मिले। और इसके जो कान के डिस्चार्ज होते हैं वो थिक और वाइट कलर के होते हैं, बहुत कम होता है कि ये ग्रीनिश होता है, इट इज़ वेरी रेयर और नॉट, या ज़्यादातर चांसेस होता है कि ये वाइट और गाढ़ा होते हैं, या कभी कभी हल्के येलोइश होते हैं। कान में सूजन होता है, कान में दर्द रहता है, उनके गर्माहट रहती है कान में। लेकिन कान का जब दर्द होता है तो उसको ऐसे धीरे से दबाओ तो राहत महसूस होता है बोरेक्स के पेशेंट को। आईज़ के लिए भी बोरेक्स अच्छी दवा है। जो आईज़ के ये लैशेस होते हैं, आई लैशेस, कुछ लैशेस अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और ये आँखों को टच करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट इरिटेटेड रहता है, या कभी कभी वो बार बार बाल आँखों पे लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। बोरेक्स म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को थिक कर देता है। इसकी वजह से बोरेक्स की आँख की पुतलियाँ जो होती हैं वो कभी कभी थिक रहती हैं, और कभी कभी इन वेरी रेयर सिचुएशन उनके आँख के जो पलक होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो पलक अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को आँख बंद करने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसका चेहरा क्ले कलर का होता है या पेल कलर का होता है। अब आते हैं इसके माउथ पे। जो हम लोग फ्रिक्वेंटली बोरेक्स देते हैं ना एप्थस माउथ के लिए, बोरेक्स का माउथ बड़ा एप्थस होता है, यानी हम हिंदी भाषा में अगर उसे बोलें तो हम बोलते हैं ना मुंह में छाले आ गए या मुंह आ गया, उस तरह का, उसे एप्थस माउथ कहते हैं। तो जीभ पे पूरे मुंह के अंदर, गाल अंदर, गाल का जो अंदर का हिस्सा रहता है ये सब एप्थस हो जाता है, लाल कलर का दिखता है ये, और कभी कभी इन पे छाले भी पड़ जाते हैं और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो जब ये छोटे बच्चों को होता है दोस्तों, तो बच्चे जब माँ दूध पिलाने जाती है तो बच्चे दूध ठीक से नहीं पी पाते इन छालों की वजह से और छोड़ देते हैं, तो माँ परेशान हो जाती है कि एक्चुअल में क्या हुआ इसे, पर ये होता उसी वजह से, एप्थस माउथ की वजह से। और इसका जो इन्फ्लेमेशन है एप्थस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जब मुंह में है तो एप्थस है, लेकिन ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल तक रहता है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह है, ये ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एंड लास्ट में एनल, यहाँ तक पूरा इन्फ्लेमेशन रहता है। सो बोरेक्स का पेशेंट कभी समझिए कुछ पानी वानी पी लिया तो ये एप्थस कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो पानी
वॉमिट कर देता है। अगर बोरेक्स के पेशेंट को पानी वगैरह पिलाने जाएं आप, तो पहले तो वो मुंह बंद कर लेता है या उसको उकाई आने लगती है, पानी नहीं पीना चाहता क्योंकि वो लगता है कुछ खाना नहीं चाहता वो, और इसकी वजह से ये बेचारा दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जाता है। और कभी कभी हमने ज़बरदस्ती अगर इसे खिलाया भी या कुछ पिलाया तो इसे खांसी शुरू हो जाती है, और इस दौरान उसको स्प्लीन वाले एरिया में यानी यहाँ पे उसे पेन होता है खांसते समय। इसका जो एनल एरिया है, ज़्यादातर गर्मी के दिनों में जब बच्चों को डायरिया होता है तो वो दिन रात डायरिया करते हैं, येलो स्लिमी कलर का, पेचिस जैसा चिपचिपा येलो कलर का। जब डॉक्टर उनके एनल रीजन को एग्जामिन करता है तो वहाँ भी एप्टस कंडीशन मिलता है उनको, इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। और बच्चा इतना ज़्यादा लूज मोशन करता है और एप्थस माउथ होने की वजह से वो खा नहीं पाता, एक तो खा नहीं पा रहा ऊपर से लूज मोशन हो रहा है उसको, वो दिन पे दिन पतला होता जाता है, उसकी गर्दन कमज़ोर हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, मैरेस्मस होने लगता है, सुखंडी टाइप। सो बोरेक्स को आप मैरेस्मस में भी दे सकते हैं अगर ये सारे लक्षण रहे, और साथ में जो मेंटल सिम्टम्स मैंने बताया है, नीचे की तरफ जाने से घबरा जाता है बच्चा, वो रहे तो। बोरेक्स यूरिनरी ऑर्गन पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब भी बोरेक्स का बच्चा पेशाब उसको होने वाली रहती है तो जोर से चिल्लाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशाब जब होने वाली है उसके पहले कुछ तकलीफ होता है उसको यूरिनरी ऑर्गन में, नहीं। जब पेशाब पास होता है वहाँ से, यूरिन पास होता है ना, तो उसे यूरेथ्रा में पेन होता है, कटिंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है। तो दूसरी बार जब उसको यूरिन होने वाला होता है तो बच्चा को पता चल जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। वो तब तक रोता है जब तक यूरिन हो ना जाए पूरा, क्योंकि यूरेथ्रा में भी एप्थस कंडीशन रहता है और ये एप्थस पैचेस यूरेथ्रा में कभी कभी दिखाई देते हैं। इसलिए बोरेक्स को गनोरिया में भी यूज किया जा सकता है अगर ये एप्थस पैचेस रहें और ये बर्निंग यूरिन में जो तकलीफें मैं बताया वो हो तो। अब हम लोग आते हैं एक और जगह जहां पे बोरेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फीमेल्स को। दोस्तों, जिस तरीके से बच्चा मुंह में छाले आने की वजह से निप्पल छोड़ देता है, उसी तरह से कभी कभी बोरेक्स की जो मदर होती है उसके दूध में डिफेक्ट हो जाता है। और वो किस तरीके से होता है कि उसके दूध कम हो जाते हैं और बहुत गाढ़े होते हैं और उनका बुरा टेस्ट होता है, बैड टेस्ट होता है। कभी कभी इस वजह से भी बच्चा दूध नहीं पीता और अगर पिलाया जाए तो वो बीमार हो जाता है। सो ऐसी माएँ जिनको दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है, कम आ रहा है और बच्चा दूध पीना नहीं चाहता, तो उन्हें एक बोरेक्स ले लेना चाहिए, उनकी ये कंप्लेंट कम हो जाएंगे। दूसरी बात, जब बच्चा एक साइड के ब्रेस्ट का फीडिंग करता है यानी दूध पीते रहता है स्तन से, तो दूसरे स्तन में पेन होता है, दूसरे ब्रेस्ट में पेन होता है। बोरेक्स का जो बोरेक्स लेडी है या बोरेक्स की जो फीमेल होती है उसे डिसमेनोरिया होता है यानी पेनफुल मेंसेस, मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया होता है, और वो इतना तेज होता है कि जैसे बच्चा पैदा होते समय जो दर्द होता है एक फीमेल को ना, उस उतना सीवियर पेन डिसमेनोरिया का होता है बोरेक्स में। इसके मेंसेस
में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जब तक वो मेम्ब्रेन निकल ना जाए तब तक उसे पेन होता रहता है और बहुत सीवियर होता है। इसका पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस होता है। सो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और लेबर लाइक पेन हो, बियरिंग डाउन पेन हो, ऐसे लगता है कि नीचे ऑर्गन सरक रहे हैं और वो मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया हो, देन इट इज़ यूजफुल, तब इसका उपयोग अच्छा होता है। एक और चीज़ है ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर। ल्यूकोरिया में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। बोरेक्स की जो फीमेल होती है उसे गशिंग ल्यूकोरिया होता है, यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होता है। एल्बुमिनस होता है यानी सफ़ेद कलर का होता है, थिक होता है, कोरोसिव होता है, जहाँ लगता है वहाँ जैसे कोरोसिव जैसे एसिड टाइप नहीं होता, हल्का एसिड, बहुत बहुत हल्का एसिड हो तो कैसे लगता है, उस तरीके का कोरोसिव रहता है, एक्सकोरिएटिंग रहता है, ऐसे लगता है अंडे का जो वाइट पोर्शन है वो, वैसा ल्यूकोरिया शुरू होता है और नीचे तक बहता चला जाता है, इतना ज़्यादा होता है। और ये अक्सर मेंसेस के पहले और मेंसेस के बाद होता है। यहाँ पर भी यूटरस के जो इनर लाइन है, अंदर के लाइनिंग्स हैं, यूटरस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे एप्थस कंडीशन होता है। सो इसकी जो मेंस्ट्रुअल कंप्लेन है, इसका जो वाइट डिस्चार्ज है, ये दोनों मिला के रिजल्ट ये होता है कि जो बोरेक्स की लेडी होती है वो कभी कभी स्टेराइल होती है, यानी उससे बच्चे नहीं होते इसी वजह से। तब ऐसे समय में बोरेक्स देके उसे ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ये कफ में भी काम आता है कभी कभी, और इसका कफ ज़्यादातर ब्रायोनिया जैसा होता है, राइट साइड में होता है, या निमोनिया हो, पर होता ब्रायोनिया जैसे है, राइट साइड में होता है और उसको दबाने से उसे राहत मिलता है, उसका पेन कम होता है, उसका खांसी कम होता है। इसकी तकलीफें डाउनवर्ड मोशन से बढ़ती हैं, धूम्रपान से बढ़ती हैं, या फिर कोल्ड डैम वेदर, ठंडा और नमी वाला जो हवा रहता है उसमें बढ़ती हैं, बिफोर यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसकी तकलीफें कम होती हैं जब पेशेंट को होल्ड करो, या फिर जो पेनफुल जो दर्द वाली जगह है उसे दबाओ तो इसकी तकलीफें कम होती हैं। ठीक है दोस्तों, बोरेक्स के फिजिकल सिम्टम में बस इतने ही सिम्टम हैं। बोरेक्स से रिलेटेड अगर कोई आपके सवाल है तो ज़रूर पूछना दोस्तों, कुछ कमेंट है तो ज़रूर कीजिए, कोशिश करूँगा मैं उन कमेंट्स का आंसर देने का, आपके सवालों का जवाब देने का। और आपका कुछ मशवरा है, कोई राय है, कोई ओपिनियन है तो ज़रूर देना दोस्तों। धन्यवाद।